मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बजरंग दल का एक पदाधिकारी गांजे के तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। उसके साथ में उसका एक साथी भी पुलिस के हत्थे लगा है। मुख्य आरोपी सुंदरम तिवारी बजरंग दल की पन्ना इकाई का सहसंयोजक है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ की पेट्रोलिंग के दौरान गांजे की खेप ले जा रहे दो युवकों को रविवार को उचेहरा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था। पकड़े गए युवकों में सुंदरम तिवारी और राज चौरसिया पिता निवासी चंदौली जिला यूपी शामिल है। इन युवकों के पास से 5 बैग मिले थे जिनमें गांजा भरा हुआ था। हालांकि आरपीएफ ने 21 किलो 9 ग्राम गांजा जब्त होने की जानकारी दी है। नीचे उतर करके संदिग्ध अवस्था में भागने लगे, तो स्टाफ द्वारा सब होने पर उनको घेर करके पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम जो है एक सुंदरम तिवारी, पिता दामोदर प्रसाद तिवारी, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम देवरी गढ़ी थाना देवेंद्र नगर पोस्ट बिरवाठी जिला पन्ना मध्य प्रदेश, तथा दूसरे ने अपना नाम राज चौरसिया, पिता प्रदीप चौरसिया, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11 कैदोही नगर थाना सैयद राजा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश बताए। मौजूद स्टाफ ने तलाशी लेने पर आरोपी के पास से मौजूद जो सामान था उसमें सुंदरम तिवारी के पास से 10 किलो मादक पदार्थ, करीब 10 किलो मादक पदार्थ, आरोपी राज चौरसिया पिता प्रदीप चौरसिया के पास से करीब 11 किलो 960 ग्राम पाया गया। मादक पदार्थ गांजा का पृथक से पहचान कर उसको समरस किया गया था। आरोपी गणों के कब्जे से पृथक पृथक जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। सुंदरम के पास से करीब 10 किलो गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रूपये तथा राज के पास से करीब 11 किलो 900 ग्राम गांजा जिसकी अनुमानित कीमत करीब 57,000 रूपये यानी कि कुल जो है 21 किलो 900 ग्राम गांजा जिसकी कीमत करीब 1,07,000 रूपये अभी गई है। ये बराबर गिरफ्तार करने के बाद मामले को जीआरपी को सुपुर्द किया गया है।